यहाँ तक टक्स तक के नापना है। यहाँ पर आ रहा है ये 4 इंच और 1 सूत आ रहा है, तो मैं 4 इंच और 1 सूत यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ से नहीं मिलाना है क्योंकि यहाँ पर कोना बन जाएगा, नोक बन जाएगा, नोक निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे आधा इंच नीचे मार्क कर लीजिए और वहाँ से मिलाइए, तो ब्लाउज में जो है नोक जो है नहीं आएगा ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त ब्लाउज एंड बुटीक मास्टर नीलकंठ देवांगन। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेक पार्ट करके आपको बताया था और आशा है आप लोगों ने प्रैक्टिस करके देखा होगा। 5 पल्ले जो है मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बोला था कि कटिंग करके देखिएगा, ड्राइंग करके देखिएगा, और जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। और वीडियो आप रोक रोक के जैसे जैसे मैं लाइन खींचते जा रहा हूँ वैसे वैसे लाइन खींचते जाइएगा ताकि आप ब्लाउज को पूर्ण रूप से ड्राइंग कर सके। अगर एक बार में समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को रोक रोक के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट पल्ला कटिंग करके बता रहा हूँ। फ्रंट पल्ला कटिंग करने के लिए आप यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए इस तरीके से, एंड यहाँ ऊपर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। यहाँ पर आपको बेक पल्ला लेके आना है इस तरीके से रखना। पिछले वीडियो में मैं इस एक्स्ट्रा मार्जिन को काटना भूल गया था। अगर आपको हुक आई पीछे पल्ले में रखना है तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, नहीं तो फ्रंट हुक चाहिए तो एक काट कर निकाल देना है। एंड यहाँ पर इसको इस एंगल पर ऐसे रखना है, इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। 4 टक्स ब्लाउज हम कट करने जा रहे हैं, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर निशान लगा लीजिए और गले का निशान लगा लीजिए और इसको हटा दीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको शोल्डर का मार्जिन लाइन छोड़ देना है एंड यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा 1 सूत तिरछा इसको रखना है। 1 सूत तिरछा रखिएगा ऐसे, और जो भी आपका गले का मेजरमेंट है, गले का मेजरमेंट करने के लिए आपको सामने पल्ला में हुक साइड को लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरफ हुक लगा हुआ है, मैं उस पल्ले को ले रहा हूँ, इसका जो जॉइंट है यहाँ पर इसको इस जॉइंट पर रखना है, जोड़ नीचे वाली लाइन पर रखना है ऐसे, जॉइंट टू जॉइंट मिलाना है ऐसे, और इसको हल्का खींचना है ऐसे। खींचने के बाद आप गले का शेप को पूर्ण रूप से ऐसे बना लेंगे ऐसे ऐसे, ये पूरा मैं खींच के रखा हुआ हूँ, ढीला नहीं छोड़ना है ऐसे ऐसे। एंड जहाँ तक गला पहुँच रहा है उससे 1-2 सूत ये अधिक होना चाहिए, नीचे का जो हम ड्राइंग कर रहे हैं 1-2 सूत ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से मार्क कर लेंगे, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर से इस तरीके से बंद कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको गले का शेप बना लेना है इस तरीके से। एंड इसके बाद क्या करना है, ये ऐसे शोल्डर को डाउन कर लेना है ऐसे। एंड इसके बाद आपको बस्ट पॉइंट नापना है, बस्ट पॉइंट अंदर से नापिए ज़्यादा अच्छे से आएगा, इसे पता चलेगा कि जो टक्स का जो ऊपरी हिस्सा है कहाँ पर है ऐसे। और देखिए टेप को यहाँ पर रखना है आस्तीन के पास, आस्तीन के साइड पर रखना है, बाहर नहीं रखना है, सिलाई से बाहर नहीं रखना है, सिलाई के अंदर ही रखिए ऐसे, और ऐसे हल्का सा खींचना है। यहाँ पर बस्ट पॉइंट जो है 10 आ रहा है, आपके ब्लाउज में जो भी आएगा 8.5, 9, 10.5, 11 इससे कम, आपके ब्लाउज में कम या ज़्यादा जो भी आएगा उसको लेना है। और यहाँ पर टेप रखना है, जहाँ पर हमने रखा था वहीं पर रखना है। देखिए यहाँ पर आधा इंच मार्जिन है सिलाई में दबाने के लिए, वहाँ पर मैंने टेप रखा था, टेप को मैंने ऐसा नहीं रखा था, ये ऐसा हल्का तिरछा रहता है जब नापते हैं तो वैसा ही रखना है। और यहाँ पर मार्किंग कर लेना है ऐसे, और यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। ये होता है फुल बस्ट का लाइन, जहाँ पर हमारा शरीर में नाप ज़्यादा रहता है, उभार रहता है, इसलिए यहाँ पर नाप ज़्यादा रहता है, इसी को फुल बस्ट कहते हैं। और ये वाला जो है उसको अपर चेस्ट कहते हैं, ऊपर का चेस्ट और ज़्यादा वाला चेस्ट, अपर चेस्ट और फुल बस्ट। एंड ऐसा लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये कटोरी का सेंटर निकालना है। देखिए यहाँ से टक्स की दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ टक्स कितने दूर पर है इसको नाप लेना है। मैं उल्टे इस तरफ से, मेरे को उल्टा बन रहा है, उल्टे तरफ है तो हुक वाला साइड उल्टे तरफ है तो उल्टा हो रहा है, इसको ऐसा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टक्स तक के नापना है, यहाँ पर आ रहा है ये 4 इंच और 1 सूत आ रहा है, तो मैं 4 इंच और 1 सूत यहाँ पर ले रहा हूँ।
ऐसे। अगर आप बॉडी से नाप लिए हैं तो जो भी आएगा, मान लो यहां पर 36 आता है तो 36 का आपको दसवां भाग लेना है 3.6। अगर छोटा साइज है 32 साइज है तो आप 3.5 लीजिए, 36-38 साइज है तो आप 4.25 ले लीजिए, और अगर 40 का साइज है तो 40 लीजिए, 40 का ऊपर का साइज है, अगर 44 साइज है तो थोड़ा सा कम ले लेंगे, 44 का साइज आएगा लगभग 4.4, तो आप 4.25 या 4.1 भी ले सकते हैं। 42 तक अच्छे से काम करता है ये दसवां भाग, ऐसे तो मार्क कर लेंगे 4.1 और यहां पर एक लाइन खींच लेंगे। अब इससे पहले 1 इंच और इसके बाद 1 इंच ऐसा मार्क कर लेना है और सीधी लाइन खींच लेना है। अगर सीधा लाइन आपको खींचते ना बने तो नीचे भी 1 इंच और यहां भी 1 इंच ले लीजिए और इसको मिला दीजिए ऐसे और ऐसे। एंड इसके बाद टक्स का साइज नाप लीजिए अपने ब्लाउज से। टक्स का साइज आप देखिए, जो बाहर से हमको दिख रहा है तैयार साइज वो नापना है। टक्स का ऊपरी हिस्सा से लेकर जॉइंट तक यहां पर 3 इंच आ रहा है तो मैं 3 इंच ले रहा हूं। यहां पर टेप को रखना है, देखिए कहां पे रखना है, यहां पर और यहां पर ऐसे, और इधर भी लेना है 3 इंच ऐसा। अब इसको डायरेक्ट यहां से नहीं मिलाना है क्योंकि यहां पर कोना बन जाएगा, नोक बन जाएगा, नोक निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे आधा इंच नीचे मार्क कर लीजिए और वहां से मिलाइए तो ब्लाउज में जो है नोक जो है नहीं आएगा ऐसे। एंड फ्रेंड इसके बाद इसके नीचे ये हमारा टक्स हो गया, टक्स के नीचे यहां पर बेल्ट होता है तो बेल्ट का भी स्पेस यहां पर चाहिए। अगर आप इसको यहां तक करेंगे तो ये नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा तो बेल्ट भी यहां पर चाहिए। सो यहां पर कितना बेल्ट है उसको नाप लीजिए। टक्स के नीचे जितना भी यहां पर बेल्ट है उसको यहां पर ले लीजिएगा और उसको मार्क कर लीजिए। यहां पर 2 इंच है तो मैंने 2 इंच लगाया है और आधा इंच नीचे दबाने के लिए यहां पर एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से इसको यहां पर क्लोज कर देंगे। हो सकता है पीछे वाले लंबाई से सामने वाले पल्ले का लंबाई ज़्यादा आएगा, अगर इसके अंदर टक्स और बेल्ट आ जाता है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, नहीं तो बस्ट पॉइंट अगर ज़्यादा नीचे है तो सामने पल्ला की लंबाई और ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसके बाद 1.5 इंच पहले लेना है और 1.5 इंच बस्ट पॉइंट के बाद लेना है। एंड यहाँ पर 1/4 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है, 1/4 इंच 1/2 इंच लगाना है, दोनों तरफ टेप से नाप लीजिए, 1/2 इंच एक तरफ 1/2 इंच दूसरी तरफ, 1/2 इंच मात्र दबाना है और इसको शेप दे दीजिए टक्स का इस तरीके से। एंड इस लाइन को हल्का सा तिरछा ले जाके यहाँ पर छोड़ देना है ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखिए ऐसा स्केल रखना है इस तरीके से, इसको बहुत ज्यादा ऐसे तिरछा ऐसा नहीं रखना है, ना ऐसा नहीं रखना है, इसको ऐसे सेंटर पर रखिए और इसको थोड़ा सा अंदर खसका दीजिए। मैं थोड़ा इसको अंदर की तरफ बनाता हूँ ताकि ये जो टक्स है वो बाहर से ज़्यादा दिखाई ना दे, थोड़ा अंदर की तरफ छुप जाए, ऐसा करना है। एंड यहाँ से 2 इंच दूर, सेंटर से 2 इंच दूर पर मार्किंग कर लेना है ऐसे। एंड यहाँ पर अगर आपका ब्लाउज का साइज कम है, आप स्लिम है, पतली दुबली है, तो 1/2 इंच का बनाना है, 1/2 इंच दोनों तरफ लेना है। अगर मीडियम लोगों का बनाना है एंड अगर आप दुबले पतले नहीं हैं तो यहाँ पर 1/4 इंच ले सकते हैं, तो 1/4 इंच का यहाँ पर टेप का रख लेना है, 1/2 इंच में एक सूट इधर लेना है, तो इस तरफ 1/2 इंच में एक सूट कम इधर लेना है, 1/2 इंच में एक सूट इधर लेना है और ऐसे मिला लेना है ऐसे ऐसे। एंड इसके बाद दोनों लाइन को आपस में नापना है ऐसे, देखिए टेप को ऐसा रखना है और यहाँ पर उंगली को हल्का रखिएगा, दबाना नहीं है, हल्का रखना है और टेप को ऐसे घुमा दीजिए तो ये जहां पर आएगा वहां पर निशान लगा लेना। तो ये जो लाइन है तो इतना जो लाइन है इसके बराबर रखना है। ऐसा करने के बाद पीछे पल्ला लेकर आना है आपको यहाँ पर, जैसा हमने कॉपी करने के लिए पहले रखा था वैसे रख लेना है, देखिए ऐसे मिला के। एंड जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर
ये यहाँ पर निशान लगा लेना है, इसको उठा के आप यहाँ पर ले आइए ऐसे इस तरीके से, और इसको सीधा रखना है यहाँ पर मिलाने के बाद सीधा रखना है। यहाँ पर गेप जो है देख लीजिए दोनों तरफ बराबर है ना, तो सीधा है ऐसा। एंड यहाँ पर क्वार्टर इंच ऊपर निशान लगा देना है यहाँ पर, और यहीं पे उंगली को हल्का सा रखना है और इसको ऐसा इतना हल्का घुमा देना है और ऐसा निशान लगा लेना है ऐसे। ये फिटिंग का और ये मार्जिन का ऐसे। अब हमारा जो फुल बस्ट है वो नापना है। फुल बस्ट किसको बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा कंधा हो गया, ये हमारा आस्तीन, तो यहां पर हम नापेंगे तो ये अपर चेस्ट होगा, और जहां पर नाप ज्यादा रहता है उसका पूरा राउंड में नापेंगे तो ये फुल बस्ट। तो फुल बस्ट हमको नापना होता है, जो भी आपका फुल बस्ट आएगा उतना लेना है और उसमें एक इंच आपको लूज लेना है। लेकिन यहां पर फुल बस्ट हम ब्लाउज से नाप रहे हैं तो हमको ब्लाउज से नाप के देखना है। देखिए बीच में ऐसा उंगली रखना है इस तरीके से ऐसे, और टेप को यहां रखना है। पहले यहां तक नाप लीजिएगा ऐसे 4.1 आया था हमारा, और यहां से फिर जहां तक सिलाई है मैं अंदर से नाप रहा हूं ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर 11 इंच आ रहा है तो 11 इंच यहां पर लेना है ऐसे। एंड यहां पर से इस तरीके से मार्क कर लेंगे ऐसे, लाइन को मिला के लाइन खींच लेंगे यस। एंड इसके बाद आपको यहां पर ऐसे इस तरीके से नाप लेना है। देखिए यहां तक आ रहा है हमारा पल्ला, तो इस टक्स को बनाने के लिए यहां पर हम एक इंच बढ़ा देंगे ऐसे, क्योंकि इसमें से जब दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा तो इसलिए एक इंच बढ़ा देंगे, और इसमें आधा आधा इंच दोनों तरफ दबाने के लिए ले लेंगे। और इसको यहां से इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। अब यहां पर कमर को हमको देखना है, कमर हमारा 34 इंच, यहाँ पे 3.1 आ रहे हैं, उस 3.1 को यहाँ पे लेके आइए ऐसे, और ये हमारा 34 का चौथाई भाग 8.5, उसमें हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, लगभग 1 इंच के आसपास, 1 इंच 1.25 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए 1.25 इंच यहाँ पर आ रहा है तो इस तरीके, क्योंकि ये जो लाइन है जब ये होल्ड होगा तो ये जो है अंदर की तरफ ऐसा आ जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको कटिंग करने के बाद, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमको इस तरीके से इसको डीप कर लेना है ऐसे, हल्का सा डीप करना है। एंड इसके बाद इसको ऐसे उठा लेना है, ये हमारा हुकाई के लिए मार्जिन हो जाएगा ऐसे, और इसको हम कट करके निकालेंगे। देखिए मैं कहाँ पर काट रहा हूँ ध्यान रखना है, जहाँ पर हमने इसको मेजरमेंट जो नाप के इसको बराबर किया था वहाँ पर ऐसे ऐसे। ये पहले काट लेता हूँ मैं, गहराई को बाद में मिलाऊंगा अभी ऐसे। एंड फ्रेंड्स सॉरी फॉर दिस कि मेरा जो हाउस है वो रोड साइड लगा हुआ है एकदम, और बाहर से कभी कचरा वाला आ जाता है तो कभी सब्जी वाला आ जाता है, तो तरह तरह के आवाज़ जो है आते रहते हैं, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करने से नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहेंगे। यहां पर मैंने पेपर जो है ज्यादा मोटा ले लिया है,
इसलिए फोल्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जो पेपर सॉफ्ट वाला मैं यूज़ करता हूँ वही यूज़ करूँगा। अचानक ये हाथ में आ गया तो मैं इसी में ड्राइंग करना स्टार्ट कर लिया। सो नेक्स्ट टाइम सॉफ्ट यूज़ करेंगे एंड इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा पीछे पल्ला है यहाँ पर लाकर रखेंगे, क्योंकि इसी में हमको जॉइंट करना है तो इसके बराबर होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर रखना है और नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम काट देंगे इस तरीके से। ये हमको सिलाई से पहले कमर पट्टी जो लगाना है उससे पहले हमको करना है। एंड साइड में जो निकला हुआ है उसको आप कमर पट्टी लगाने के बाद भी काट सकते हैं, या अभी काटना चाहते हैं तो अभी भी काट सकते हैं। देखिए इसको कैसे काटना है जो एक्स्ट्रा है। यहाँ से 3 इंच एक सूत आ रहा है यहाँ पर, इस 3 इंच एक सूत को यहाँ पर रखना है और कमर का चौथाई भाग यहाँ पर लेना है। 34 है तो मैंने 8.5 लिया है एंड इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। और जो यहाँ पर फुल बस्ट का जो निशान लगाया था वहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे और 1.5 इंच के मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमको दिख रहा है उस हिस्से को हम काट के निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है अंदर की तरफ टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 इंच या 1.25 इंच का गेप रखना होता है। इस हिस्से को जो बिगनर्स मेरे फ्रेंड हैं वो सिलाई करने के बाद कट करेंगे कमर में पट्टी लगाने के बाद। सो इस तरीके से हमारा सामने पल्ला जो है रेडी हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत। आप इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए, पूरा कोर्स आपको लिए प्रोवाइड हो रहा है, आप सीखिए प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।